सो हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी, अगर कोई भी वीडियो और फोटो अगर आपका डिलीट हो गया हो, अगर 100 साल पुराना भी हो तो भी रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दो ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे जिसके जरिए आपकी फोटो और वीडियो को रिकवर करेगा। उसके बाद हम मैन्युअली कैसे हम कर सकते हैं बिना एप्लीकेशन के, उसके बारे में बताएंगे, वो वीडियो के एंड में होगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहले कि आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे आपको चले जाना है। जैसे प्ले स्टोर पे चले जाएंगे उसके बाद यहाँ पे सर्च बटन पे यहाँ पे लिखना है वीडियो फोटो रिकवरी ऐप। ठीक है, जैसे इसको सर्च करेंगे आपको 1 2 3 4 5 6 7 वाला नंबर पे दिखेगा, ये जो येलो कलर में है डिलीट फोटो रिकवरी। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। और दूसरा एप्लीकेशन है उसे थोड़ा नीचे आपको दिख रहा होगा डिलीटेड वीडियो रिकवरी। ठीक है, ये भी एक एप्लीकेशन है। ये दो ट्रस्टेड एप्लीकेशन है जिसके जरिए जो डिलीटेड फोटो है, वीडियो है, जो 100 साल पुराना वीडियो फोटो भी डिलीट हुआ वो रिकवर हो जाएगा इजीली। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हो 5 मिलियन प्लस लोगों ने इसको डाउनलोड करके रखा है। तो हम इसको अभी डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा। जैसे ये करेंगे, जैसे ये इंस्टॉल होगा हम फिर से दोबारा आएंगे, जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुका है। अभी इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखिए तभी आपको जानकारी अच्छे से मिलेगा, नहीं तो आप यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर जाएंगे। इस तरह से यहाँ से कुछ इस तरह से करना है यहाँ पे, और उसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे इसको भी गेट स्टार्टेड करना है। जैसे ही करेंगे उसके बाद यहाँ पे परमिशन देना है, इसको अलाउ जैसे करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ आएगा, इसको अलाउ कर देना है सभी को। उसके बाद जो ये है डीप स्कैन रिकवरी, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ एड्स शो होगा, क्योंकि ये फ्री का एप्लीकेशन है तो यहाँ पे एड्स शो तो होगा ही, तो स्किप कर देना है ऊपर से। जैसे स्किप होगा यहाँ पे देखिए डीप स्कैन हो रहा है, मतलब स्कैन हो रहा है, जितने भी फोटो थे वीडियो थे सारे के सारे यहाँ पे स्कैन हो रहा है, देख सकते हैं आप। थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा इसके लिए। आपका मोबाइल कितना पुराना है उसके हिसाब से यहाँ पे स्टोरेज होगा, जैसे कि कितना आपका फोटो है, कितना आपका वीडियो है, कितना आपका ऑडियो है, कितना आपका डॉक्यूमेंट है, इस तरह से यहाँ पे शो करेगा। अगर आपका ज्यादा डिलीटेड आइटम्स है उसी हिसाब से यहाँ पे टाइम लगेगा। फोटो मेरा है कुल मिला के 34,544 फोटो है और वीडियो 692 वीडियो है। तो डिलीटेड वीडियो को डाउनलोड करना है तो यहाँ पे टैप करना होगा। जैसे ही टैप करेंगे कुछ एड शो होगा, उसको क्लोज कर देना है। अगर इस वीडियो को डाउनलोड करना है तो यहाँ पे टैप करना होगा। जैसे ही टैप करेंगे यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक कर देना है, तो ऐसे आप रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक एप्लीकेशन के जरिए आप अपने डिलीटेड फोटो वीडियो को आप कैसे ला सकते हो। तो अभी हम बताएंगे जो मैन्युअली आप कैसे ला सकते हो अपने वीडियो या फोटो को। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, गैलरी में हम सीधे जाएंगे, ये मतलब कोई भी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे अभी, ये आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे 1 2 3 4 5 वीडियो और फोटो को यहाँ पे डिलीट कर दिया। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो हमने डिलीट किया है ये फोटो और वीडियो है कि नहीं। देखिए यहाँ पे नहीं है, तो अभी हम इसको रिस्टोर करेंगे। ये फिर से आपको वहीं पे जाना है गैलरी पे, और जैसे ही जाएंगे उसके बाद एल्बम पे जाएंगे, और उसके बाद नीचे जाएंगे यहाँ पे देख सकते हो आप रिसेंटली डिलीटेड, तो सबसे नीचे दिख सकते हो रिसेंटली डिलीटेड, उस पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए जितने भी फोटो वीडियो थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो अभी इसको रिस्टोर करने के लिए इस पे सिलेक्ट करेंगे, नीचे आपको दिख रहा है रिस्टोर और डिलीट। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर आपको रिस्टोर करना है तो ये रिस्टोर पे क्लिक करेंगे और रिस्टोर 5 आइटम्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से रिस्टोर हो जाएगा। अभी हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे कैमरा पे जाएंगे, अभी ये जो हमने डिलीट किया 1 2 3 4 5 ये सभी आ चुके हैं। दोस्तों आप अगर एप्लीकेशन से करेंगे तो यही दो एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आप अपने जो मैन्युअली करना चाहते हैं तो गैलरी पे जाके करिएगा। तो दोस्तों यही था दो प्रोसेस। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों आप भी अगर अपने फेसबुक को जो प्रोफेशनल तरीके से आप अगर यूज करना चाहते हैं, दोस्तों अगर आपके फेसबुक अकाउंट को अगर आप फेसबुक पेज जैसा बनाना चाहते हैं, फॉलो का बटन लगाना चाहते हैं एड फ्रेंड की जगह, तो दोस्तों आप ये वीडियो जरा सा भी स्किप ना करें, पूरा का पूरा देखिए। ये वीडियो में हमने पूरा का पूरा बताया है आपको। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो से जरा सा भी आपको हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।